नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सबका पूर्व स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं सीरीज मासिक राशिफल की, और ग्रहण का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है 12 राशियों पर। अभी तक दर्शकों, हमने कर्क राशि तक के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज चर्चा होगी सिंह राशि के बारे में कि क्या कहता है सिंह राशि वालों का जून का माह, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा करियर, कैसी रहेगी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, और आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, कितनी धन संपत्ति प्राप्ति के योग इस माह बनते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ वो उपाय और वो हमारी सलाह, वो आज हम आपको बताएंगे। ग्रहण का आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है असर, क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ये एकमात्र सूर्य ग्रहण है जो कि हिंदुस्तान में दिखने वाला है। बाकी कोई भी सूर्य ग्रहण जो है हिंदुस्तान में नहीं दिखेंगे। साल के अंत में भी एक सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन वो अदृश्य होगा भारत में। तो 21 जून का पड़ने वाला सूर्य ग्रहण, जिस दिन 6-6 ग्रह वक्री होंगे, क्या असर पड़ेगा आपकी राशि पर, ये आपको बताएंगे। और ग्रहण से बचने के उपाय कार्यक्रम के अंत में देखना ना भूलें, और एक एक चीज़ ध्यान से सुनिए आप, और जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी इस माह में, और वो उपाय भी बहुत लाभकारी साबित होने वाले हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले तो बता देते हैं कि ग्रहण जो है कौन सी राशि में पड़ रहा है। देखिए, 21 जून का सूर्य ग्रहण जो है मिथुन राशि में पड़ रहा है, तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये हमने बताया कि काफ़ी भारी रहने वाला है। और जहाँ तक बात है सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों को ये जो सूर्य ग्रहण है सुख समृद्धि देने वाला है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी, सभी तरह के सुखों की आपको प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है इस ग्रहण में। किसी तरह की कोई बड़ी समस्या इस ग्रहण में आपके ऊपर नहीं आने वाली है, उल्टा विपत्ति जो थी वो टल जाएगी, कष्ट जो है वो हर लेंगे, और ग्रहण का शुभ फल जो है आपको और आपकी संतान को पूर्ण रूप से मिलेगा। आपके कार्य व्यवसाय में भी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी यहाँ सिंह राशि वालों को नजर नहीं आ रही है। अगर आपको मानसिक तनाव बना हुआ है, क्योंकि देखिए ग्रहण काल के दौरान राहु चंद्रमा केतु का योग इस तरह की स्थिति बनती है कि मानसिक तनाव थोड़ा सा हावी रहता ही है, और ग्रहण से एक दिन पहले ही हो जाएगा ये, और ग्रहण के एक दिन बाद तक रहता है। तो इस समय पर कैसे बचें इस ग्रहण के प्रकोप से, मानसिक तनाव से, ये भी आपको बताया जाएगा। और दर्शकों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ग्रहण का समय क्या है। आखिर ग्रहण काल का समय यह रहेगा सुबह 10:14 से लेकर दोपहर 1:38 तक ये ग्रहण रहेगा। इस दौरान बाहर ना निकलें, जहाँ पर हो वहीं पर रहें आप तो बेहतर होगा। अगर कहीं रास्ते में इस दौरान है तो वो अलग बात है, कोई बड़ी मजबूरी है आपको इस दौरान ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है तो मजबूरी है। गर्भवती महिलाएं अपना ख्याल रखें, घर पर ही आराम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और बच्चों को भी इस समय घर पर ही रखें। और ग्रहण काल के समय ये जो समय रहता है इसको जितना आराम से शांति से काटेंगे उतना ही सबके लिए बढ़िया है। वाद विवाद से इस दौरान दूर रहना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। कोशिश करें अगर संभव है, अगर आपकी तबीयत ठीक है, आप फिट हैं, यंग हैं, स्वस्थ हैं, तो इस दौरान खान पान से बचेंगे तो ग्रहण का प्रकोप और भी कम होगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें उस दौरान सिर्फ और सिर्फ शांत बैठना चाहिए, वो जो भी कुछ खाना पीना चाहे खा सकते हैं। तो देखिए, ग्रहण आपके लिए सकारात्मक रहेगा और ग्रहण का असर 6 महीने तक रहेगा, तो यानी कि नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है सिंह राशि वालों। चलिए आते हैं आपकी ग्रह स्थिति पर, क्या ग्रह नक्षत्र इस माह आपकी राशि पर चाल चल रहे हैं, क्या खेल खेलने वाले हैं, सकारात्मक रहेंगे या नकारात्मक रहेंगे। देखिए, सिंह राशि में कोई ग्रह नहीं है, कन्या में कोई नहीं है, तुला में कोई नहीं है, वृश्चिक में कोई नहीं है, पंचम भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं, षष्ठ भाव में यानी कि छठे भाव में गुरु शनि का योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, सप्तम भाव में आपके मंगल की स्थिति यानी कि मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, अष्टम खाली है, नवम भी दशकों खाली है, दशम भाव में आपकी बहुत अच्छी स्थिति सूर्य शुक्र की रहेगी, एकादश भाव में राहु बुध रहेंगे, बहुत शानदार योग, और द्वादश भाव जो आपकी कुंडली में खाली बैठा है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति इस माह बनी हुई है, यानी कि माह के शुरुआत में अगर हम बात करें तो सूर्य की अगर स्थिति हम देखें तो सूर्य आपके लिए बहुत ही शानदार स्थिति में दशम भाव में, क्या कहने, इससे बेहतर क्या योग बनेगा। और अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस में रहेगी, यानी कि 1 जून का जो गोचर रहेगा चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहेंगे। तो दर्शकों, इस पर आधारित हम आपको ये आपका मासिक राशिफल बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य इस माह थोड़ी बहुत परेशानी नजर आ रही है, पेट संबंधी रोग, लिवर संबंधी रोग, गठिया, बाय बादी, इस तरह की समस्या आपके ऊपर हावी रह सकती है।
जिन लोगों को यूरिक एसिड की समस्या है उनको समस्या बढ़ सकती है। इस माह आपको पेट संबंधी रोग ज़रा परेशान करेंगे, या हाई बीपी की दिक्कत रह सकती है, या आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन एलर्जी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस माह में क्रोध की अधिकता भी रहेगी, यह हाई बीपी के कारण रहेगा, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। तनाव से आप इस समय बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। तो स्वास्थ्य का इस माह आपको ध्यान रखना चाहिए सिंह राशि वालों। क्रोध करने से बचें, ये मूल मंत्र है सफलता का इस माह। क्रोध नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आइए आते हैं आपके काम कारोबार पर। देखिए, काम कारोबार की स्थिति तो आपके लिए लाजवाब बनती हुई नजर आ रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ये माह रहने वाला है, यानी कि नौकरी लगने के योग लग रहे हैं इस समय। विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से अगर आपको कोई ऑफर इस समय आ रही है जॉब की आने वाले समय के लिए, तो वो आपको मेल के जरिए से इस समय आपको खुशखबरी मिलेगी, यानी नौकरी का ऑफर अभी आपको मिल सकता है। या फिर इस समय अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई दूसरे शहर में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसका भी योग दर्शकों को बनता हुआ नजर आ रहा है सिंह राशि वालों के लिए। नौकरी व्यवसाय में कोई बड़ी परेशानी नहीं रहने वाली है सिंह राशि वालों को, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और कार्य व्यवसाय अगर हम बात करें, जिनकी अपनी फैक्ट्री है, जिनकी खुद का बिजनेस है, उनके लिए भी ये माह चार चांद लगाने वाला है। आपके कार्य व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलेगी, काम कारोबार धीरे 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 तरक्की की ओर करेगा। सूर्य और शुक्र जो है यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ देंगे, कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपका काम कारोबार भी इस माह रहने वाला है, तो कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। चलिए बात करते हैं छात्रों की। छात्रों के लिए जून का माह जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन लापरवाही ना बरते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लापरवाही बरती तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मन लगाकर पढ़ाई करें, ग्रह नक्षत्र आपके साथ में है। इस समय की गई परीक्षा की तैयारी आपको बड़ा लाभ देगी, कुल मिलाकर इस समय का फायदा उठाएं, आलस से आपको बचना चाहिए। चलिए आते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर। सिंह राशि वालों, मांगलिक योग के कारण इस माह वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बनी रह सकती हैं, घर परिवार में उथल पुथल मची रह सकती है। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए, क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा इस पूरे माह जो है वैवाहिक जीवन में कटुता बनी रह सकती है। ग्रहों की स्थिति जो दर्शा रही है वो 20 तारीख के बाद हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं वैवाहिक जीवन में, लेकिन 20 तारीख तक आपको सावधान रहना चाहिए, ये मेरी सलाह है। अब आप बात करते हैं आपके लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ का सितारा आपका बहुत मजबूत है, नए रिलेशन स्थापित हो सकते हैं, पुराने संबंधों में जो कठोरता थी वो दूर हो जाएगी, लव लाइफ बहुत अच्छी आपकी रहेगी, प्रेम संबंधों में इस माह सफलता मिलेगी, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। आते हैं आपके पारिवारिक जीवन पर। पारिवारिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। आपके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, भाई बहन का पूर्ण सहयोग मिलेगा, संतान का भी इस समय आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। अगर संतान आपकी विवाह योग्य है तो रिश्ते के समय प्रस्ताव आ सकते हैं, या अगर उनकी नौकरी नहीं लगी है तो उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है, नौकरी इस समय उनकी लग सकती है। तो कुल मिलाकर आपके संतान के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा, घर परिवार की स्थिति भी अच्छी रहेगी, मित्रों का भी पूर्ण सहयोग इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है दर्शकों। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए तो ये महीना जो है बहुत अच्छा नजर आ रहा है। थोड़ा वैवाहिक जीवन में ध्यान देने की जरूरत है, संभल कर चलने की जरूरत है, अन्यथा कोई बड़ी परेशानी सिंह राशि वालों को नहीं रहेगी। आइए आते हैं आपकी धन स्थिति पर। देखिए, धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, धन लाभ काफी होता हुआ नजर आ रहा है। इस माह आप पैसा जोड़ भी सकते हैं, कमाएंगे भी और अच्छा जोड़ेंगे भी, खर्च भी करेंगे, लेकिन जोड़ने के लिए भी इस समय आपको पर्याप्त मौके मिलेंगे। जिन लोगों की बड़ी इंडस्ट्री है उनको बड़ी भारी सफलता, बहुत बड़ा लाभ उनको मिलेगा। अब जो सिंह राशि वाले, अगर हम कह रहे हैं कि अगर आप छोटी दुकान चला रहे हैं, कोई आपकी किसी भी तरह की शॉप है, तो इस माह आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपके कार्य व्यवसाय में अपने जो आप काम करते हैं उस लेवल के हिसाब से बड़ी सफलता मिलेगी, और जो व्यक्ति बड़े लेवल पर काम कर रहा है उसको बड़ी सफलता मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो सफलता के लिए ये माह बहुत आपके लिए शानदार रहने वाला है। तो दर्शकों, अगर आपको
सलाम क्या देना चाहेंगे? देखिए वैवाहिक जीवन में संयम बरते हैं, सेहत का ख्याल रखें, क्रोध की अधिकता से बचेंगे तो ये माह आपके लिए मंगल ही मंगल देने वाला है। अब आते हैं कि अगर ग्रहण के दौरान तनाव रहे तो कैसे बचें। देखिए सबसे पहले तो योग का सहारा लीजिए ग्रहण के दौरान, और योग का सहारा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहण काल के दौरान स्नान कीजिए, गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, ओम आदित्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो विशेष आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अपने पिताजी अगर आपके साथ हैं तो उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की या दादा हैं आपके उनकी सेवा करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जो हमने आपको बताया है गेहूं गुड़ इसका दान करेंगे तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। गरीबों को खाना खिलाएं तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दर्शकों ये कुछ अगर आप उपाय करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं रहने वाली है, ये माह आपके लिए शानदार बीता रहेगा। हमारी जो आज हमने सलाह दी है उसको भी फॉलो कीजिए तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा और किसी तरह की कोई परेशानी जो है सिंह राशि वालों को नहीं रहेगी इस उपाय को करने के बाद। तो दर्शकों हमने आपको बताया है कि सिंह राशि के ऊपर ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा और कैसा रहेगा आपका ये मासिक राशिफल जून का। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में कि उनके ऊपर क्या असर रहेगा ग्रहण और उनके मासिक राशिफल का। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसको जरूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर आपको पसंद आया तो शेयर भी कीजिए। तो दर्शकों आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।